हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइफ 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। लेजीनेस, एग्जिस्टेंस, कॉम्प्रोमाइज, इनर वॉइस, द आउटसाइडर, पुट ऑन दैट एक्सिट ट्रस्ट। इश्यूज हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज है जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली का इशू हो सकता है या कुछ ऐसा इशू, लाइक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर के। कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई रीज़न है, कुछ ना कुछ फैमिली का भी हो सकता है, कुछ खुद का भी हो सकता है, बट रीज़न है यहाँ पर आपसे दूर दूर भागने का, आपसे दूर होने का। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऐसा कह के ये दूर हो रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि अपनी फीलिंग्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं गाइस। आई फील कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं कुछ मजबूरियों के कारण। लेकिन ऐसा भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं, मतलब कि नहीं चाहिए, ऐसा वाला नहीं है। उनका ये है कि भगवान अगर कुछ करें तो ठीक है, वरना खुद उनके हाथ में कुछ नहीं है करना। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ करके, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगर यूनिवर्स चाहे, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने चीज़ों को छोड़ा हुआ है, इस रिलेशनशिप को छोड़ा हुआ है कि किस्मत में होगा तो हम मिल जाएंगे, कौन अलग करेगा, हम एक हो जाएंगे, और नहीं हुआ तो वैसे भी मैं कुछ कर लूँ तब भी कुछ नहीं होगा। उनको एक्चुअली क्लियर फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा आगे इस रिलेशनशिप में, उनको कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल वो जस्ट एक ऐसी एनर्जी में चले गए हैं जहाँ वो हर चीज़ को मना कर रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उनको बोलती है ट्राई तो करो, वो उसको भी मना कर देते हैं। आपने भी हो सकता है उनको बहुत समझाने की कोशिश की हो, बट वो उसको भी मना कर देते हैं। लाइक ऐसा दिखाई देता है कि वो ये करते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूँ, मेरी जगह रह के देखो, तुम्हें नहीं पता मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। लाइक इस तरीके की दिमाग में थॉट बिठा लिए उन्होंने, कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। और बहुत ऐसी एनर्जी होगी कि कुछ करने को ही रेडी नहीं है, कुछ करने का ही मन नहीं है उनका, जैसे कि गिवअप कर देता है ना इंसान, तो वैसे मुझे गिवअप करते हुए दिखाई दे रहे, बिना कोशिश किए गिवअप करते हुए दिखाई दे रहे। एक होता है इंसान कोशिश करता है, कोशिश करने के बाद गिवअप करे तो चलो ठीक है कि भाई कोशिश तो की एटलीस्ट, लेकिन बिना कोशिश किए गिवअप कर रहे हैं ये। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर, उनकी सोच ये हो गई है कि जिसको लाइफ में आना होता है वो आ ही जाता है, जिस चीज़ को आना होता है वो आ ही जाती है कैसे भी करके, और जिसको नहीं आने होती हम उसके पीछे कितना ही भाग ले नहीं आती है। ये सोच कहीं ना कहीं उन्होंने बना ली है
उनका ये है कि अपने आप से ही चीज़ें आ जाएं बिना एफर्ट डालें, तो ऐसा कुछ है। आई थिंक आप इनको बहुत समझा चुके हो ऑलरेडी, बट इनको नहीं समझ में आता, या अब तो इन्होंने जो है समझना भी बंद कर दिया, मतलब सुनना ही बंद कर दिया, समझना भी नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, शायद ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया है। तो ऐसा कुछ हाल मुझे इनका यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके की कंडीशन से गुजर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। और एक तरीके से कहीं ना कहीं समझौता, एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं गाइस अपने फीलिंग्स के साथ। ये पसंद करते हैं आपको, प्यार करते हैं, लेकिन ये हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ ऐसा इनके साथ है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। इस यूनिवर्स पता है और क्या कुछ एनर्जीज हैं। अब इनकी मैं एनर्जी बताऊँ ना आपको, इनके साथ होता यूँ है कि इनको आपके थॉट्स आते हैं और इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। आपसे रिलेटेड जो भी थॉट्स इनको आते हैं उनको ये क्या करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थॉट्स से भागते हैं आपके पार्टनर, ख्यालों से भाग रहे हैं, दिमाग को एडवाइस दे तो वो भी नहीं लेना चाह रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वही भाग्य के ऊपर छोड़ने इनको चीज़ें। किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये प्यार भी करते हैं। एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स तो हैं। टू ऑफ वॉन्स, बहुत सोचते भी हैं, सोचते, मैं ये कहूँगी कि सोचने से बचते हैं ये, ठीक है, फीलिंग से भागते हैं, सोचने से बचते हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती दूर करने में लगे हुए हैं। प्यार ये करते हैं आपसे, फीलिंग्स भी हैं, ये आपसे क्यों भागते हैं दूर? आप कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे उनके लिए, उनके साथ, लेकिन फिर भी आपसे दूर भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। तो ऐसा इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये जितना आपसे बात करते हैं ना, इनके लिए चीज़ें उतनी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में और ये खुद को बस संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बिना रहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये आपसे बात करते हैं तो फिर इनसे रहा नहीं जाता आपके बिना, और फीलिंग्स इनकी बढ़ती हैं आपको लेकर के, आपके आगे कमज़ोर पड़ते हैं और कहीं ना कहीं पिघल जाते हैं, और ये पिघलना नहीं चाहते, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इनको स्ट्रांगली लगता है कि आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा या कुछ कर नहीं पाऊँगी इस रिश्ते के लिए। तो इस तरीके से कमज़ोर, अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गया या पड़ गई तो फिर कुछ नहीं होगा, आगे जाके मुझे भी हर्ट हो जाएगा और उसको भी हर्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में इनके चलता है। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना हर चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ से। हो सकता है हाल ही में इन्होंने सोशल मीडिया पे थे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, बात नहीं होती थी बट कनेक्टेड थे, हाल ही में हो सकता है इन्होंने अनफॉलो किया हो या अनफ्रेंड किया हो या ब्लॉक किया हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं इन्होंने की हो, ऐसी कोई हरकत इन्होंने की हो। वो क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भाग रहे हैं आपकी चीज़ों से, बच रहे हैं आपके थॉट से, बच रहे हैं आपकी एनर्जी से, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना उसके साथ कनेक्टेड रहूँगा उतना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, उतना मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो यहाँ पर ज़बरदस्ती से दूर भागा जा रहा है ऐसा दिखाई देता है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इनकी इंट्यूशन, इनका दिमाग, देखो दिमाग का क्या होता है कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम होती है ना तो वो तरह तरीके के एडवाइजेस देता है। सिंपल सी चीज़ है कि तुम ये करके देख लो, वो करके देख लो, लेकिन इंसान मानता नहीं है, उनको इंसान मान नहीं पाता है। और ये सबके साथ होता है, सबको लगता है कि अरे यार आ रहा है ऐसे मन में थॉट आ रहा है कि ऐसा करने से कुछ हो जाएगा,
लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं होगा, इंसान हमेशा ऐसे करता है, सब लोग करते हैं ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है आपके पार्टनर भी कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ पर विचार नहीं करना चाह रहे, कोई प्लानिंग नहीं करना चाह रहे, कुछ सोचना नहीं चाह रहे कि थोड़ा सोच के मैं कुछ कर लूँ। यू नो, इन्होंने आई थिंक कोशिश भी नहीं की इस रिश्ते के लिए, बिना कोशिश के सिर्फ अपने दिमाग से पीछे हट रहे हैं, ऐसा है कुछ। और इसीलिए आई थिंक आप भी अगर एक बार कोशिश करते और कुछ ना होता तो शायद आप भी जो है आपको भी ये रहता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश की गई। बट बिना कोशिश के गिव अप कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही, क्योंकि आपके मन में उम्मीद है कि क्या पता एक छोटी कोशिश से हमारी बात बन जाए। तो कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई एम स्टक, पहला ही मैसेज यहाँ पर ये है कि ये स्टक है। ये क्या कहना चाहते हैं कि मैं स्टक हूँ, एंड यस ये स्टक है। आई लव माई किड्स। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे भी हैं, ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अटैचमेंट है, बच्चों से प्यार है इनको। आई थिंक ये खुद निकलना चाह रहे थे अपनी मैरिड लाइफ से, लेकिन बच्चों की तरफ देख के रुक जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी। या हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, लेकिन ये अपनी फैमिली के सामने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ना फैमिली के सामने कुछ बोल सकते हैं, कुछ ऐसा है इनका। अगर तुम ना होते, ये एक सॉन्ग है, सुनिएगा, इसमें आपके लिए मैसेज होगा कोई ना कोई। जो भी लिरिक्स आपको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ उसको आप चूज़ कर लीजिएगा, मतलब लाइक उसको ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैसेज होगा कुछ ना कुछ आपके लिए, ठीक है। डू यू स्टिल लव मी, ये पूछ रहे हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती, इतना कुछ करने के बाद भी। इनके दिमाग में ये चलता होगा कि क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करती होगी या करता होगा या आगे बढ़ गई होगी। एंड ऑल यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, कह रहे हैं आपको, पता है आप बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो। आई मिस यू, मिस करते हैं आपको, याद करते हैं। और ये जानते हैं कि कोई भी आपकी जगह ले भी नहीं सकता, नो वन कैन रिप्लेस यू, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। इनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरी रहे हो आप इनकी लाइफ की, ये मुझे दिखाई देता है। आई लव माई फैमिली, फैमिली से प्यार करते हैं बहुत, एंड आई थिंक ये इसी चक्कर में फंसे हैं यहाँ पर। आई कुड नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, अगर मैंने कह दिया तो मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा, और अब मैं ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि शायद मैं उसके लिए कुछ कर ना पाऊँ। सो यू नो आई थिंक ये बहुत इनका कॉन्फिडेंस चला गया है चीज़ों को लेकर के, कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि भाई हो जाएगा, खुद के ऊपर से विश्वास चला गया है इनका, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। सॉन्ग यू सेंड मी टुडे आई लिसन एंड मिस यू अलॉट, आपने अगर इनको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया या कोई सॉन्ग इनको सेंड करते रहते थे आप, तो ये आपको मिस भी कर रहे हैं और वो सॉन्ग भी सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑलराइट, सो ये एनर्जीज हैं, देख लेते हैं आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सेकंड चांस, आंसर इज अराइविंग, मिरर सेल्फ। गाइस इन फ्यूचर चांसेस हैं, ये वापस से आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इनकी आपसे बात हो सकती है,
ये मुझे दिखाई देते हैं, और ये होगा इनके मन में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें घर कर गई हैं जिनके आंसर्स इनको यूनिवर्स देंगे, जिसके बाद ही आएंगे आपकी तरफ लौट करके, कुछ चीज़ें रियलाइज़ करके ही आएंगे, मतलब इन अ गुड वे, ठीक है। लाइक जैसे कुछ चीज़ें इनको बहुत परेशान करती है ना सोचने पर, टेंशन देती हैं क्या होगा कैसे होगा, आई थिंक उसमें थोड़ी राहत होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे उनको थोड़ी राहत मिलेगी, अच्छा ही हो सकता है। एक होप जगना होता है ना, जिससे इन्होंने होप्स खो दिए हैं, कॉन्फिडेंस खो दिया है, होप्स का आना, कॉन्फिडेंस का आना, उसके बाद ये लौट के आएंगे आपकी लाइफ में वापस से। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से हिडन की एनर्जी है, उसी के नीचे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, बट हिडन की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन ना ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, बट आई थिंक कुछ शर्तों के साथ, या ये हो सकता है ये आपसे कहें कि हम रहते हैं कनेक्टेड, लेकिन ये कोई लाइक कमिटेड रिलेशनशिप ना रखना चाहें, या ये कहें कि ज़्यादा उम्मीदें मत करना मेरे से, मुझे रहना है तुम्हारे साथ लेकिन मैं कोई उम्मीदें नहीं चाहता कि तुम रखो, कुछ इस तरीके की बातें कर सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, उनको अभी हाल फिलहाल क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। डोर टू रोमेंस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, हीलर ऑफ द एजेस। गाइज यहाँ पर ना यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत करो, ठीक है। हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना क्या होता है, आई थिंक आप प्यार को लेकर के नेगेटिव हो गए हो, आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, मेरी ज़िंदगी में नहीं है प्यार, लोगों को मिल जाता होगा अगर होता भी होगा तो, बट मेरी ज़िंदगी में नहीं है प्यार, मुझे कभी नहीं मिलता। आप अपने लिए नेगेटिव हो रहे हो, आप अपने लिए नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, इससे आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रहे हो। दूसरा यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाहते हैं अपने थॉट्स के प्रति, ठीक है। अपने थॉट्स की तरफ ना आपको यूनिवर्स अवेयर करना चाहते हैं कि प्लीज़ अवेयर हो जाओ, नेगेटिव मत सोचो, लो मत सोचो, अच्छा ही सोच रहे, क्योंकि आपके लिए प्यार है और आपके टाइम पर वो मिलेगा, लेकिन तब तक आपको अपना मेंटल पीस बना के रखना है। अगर आपका मेंटल पीस ख़राब हुआ, अगर आप डिस्टर्ब हुए, तो नेगेटिव थॉट्स ने अगर घर कर लिया, तो जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते, देखो एक चीज़ बता देती हूँ कि हम हर पल, हर सेकंड, हर मिनट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम कुछ ना कुछ लगातार सोच रहे हैं, और जो हम सोचते हैं इन फ्यूचर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपना जो अपनी जो मासूमियत है, वो जो आपका सॉफ्ट हार्ट, जो आप दिल के साफ इंसान हो ना, उसको वैसा ही बना के रखो। ये जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो आप अपनी लाइफ, इसकी वजह से अपना मन खट्टा मत करो, ठीक है। इसकी वजह से आप जो है अपने आप को कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपकी चीज़ है, आपके हिस्से का प्यार है, बट आई थिंक उसका टाइम अभी नहीं है। जब वो टाइम होगा तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में होगी, लेकिन तब तक आपको अपना अपने माइंड को पीसफुली रखना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स के साथ आपको रहना पड़ेगा, अच्छा आपको सोचना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने थॉट्स की तरफ अवेयर हो जाओ, सोचो, मतलब अच्छी तरीके से सोचो कि आप सोच क्या रहे हो, आप ध्यान दो अपने थॉट्स के ऊपर कि कहीं आप कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, तो ये चीज़ आप रखो। अगर आप अपने थॉट्स की तरफ अवेयर हो जाते हो ना कि मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोच रही हूँ ना, अच्छा ही सोच रही हूँ ना, तो आप देखना, आप इसको ना कंटिन्यू करो एक महीना, आप अपनी रियलिटी में शिफ्ट होते देखोगे आपकी लाइफ। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी रियलिटी जो भी चल रही है उसमें एक चेंज आए, शिफ्ट आए,
सबसे पहले चेंज कोई भी चीज़ ना दुनिया में आने से पहले दिमाग में बनती है। मान तो इस बात को, अगर किसी ने कोई चीज़ बनाई है तो पहले उसने उसके बारे में सोचा है तभी उसने बनाई है उसको, राइट। तो वैसी ही चीज़ है कि आपने कहीं ना कहीं पहले अपने दिमाग में रियलिटी को चेंज करना है अपनी को। आप देखोगे कि आपके रियलिटी वर्ल्ड में चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप जैसे अपने दिमाग में अपने थॉट्स को चेंज करोगे, ठीक है, जैसे आप अच्छा और जैसे आप लाइफ चाहते हो वैसा सोचना शुरू करोगे, आपकी रियलिटी में चेंज आ जाएगा। पहले दिमाग में चेंजेस होते हैं फिर रियलिटी में चेंजेस आते हैं। पहले चीज़ें दिमाग में बनती हैं फिर रियलिटी में बनते हैं। तो इस बात को आप मानो, ठीक है, एंड इस पर काम करो। आप देखोगे अपनी लाइफ में एक रियलिटी शिफ्ट होते हुए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।